यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी हुई 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क रोडवेज में यात्रा की सौगात दी है। साथ ही विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान सरकार द्वारा दी गई कई प्रकार की अन्य योजनाएं भी महिलाओं के लिए लॉन्च की गई। महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्तर से मनाना शुरू किया गया। इस दिन महिलाओं का मान सम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। पार्षद सुनीता सोनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना गुप्ता ने कहा, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। 8 मार्च महिला दिवस, मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल अर्चना गुप्ता सभी देशवासियों की महिलाओं को आज महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जितना ज़्यादा जागरूक होंगी, साथ ही वो कर्तव्य के प्रति भी अपने आप ही इसके लिए डिवोट हो जाएंगी, क्योंकि महिला अपने अधिकारों के प्रति कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा डिवोटेड है और बजाय अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है उसको। लेकिन आज की महिला जागरूक हो चुकी है, शिक्षित है, तो वो धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो रही है। हमारी राज्य सरकार भी उनको समय समय पर सुविधाएं देती रहती है। जैसे आज 8 मार्च को पूरे राज्य में यात्रा उनके लिए फ्री की हुई है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिला कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। स्कूल में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं? स्कूल में हमारे यहाँ पे महिलाएं जो बच्चियां हैं वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहती हैं, गेम्स के थ्रू करती हैं, बच्चियां सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना भाग लेती हैं और पढ़ाई के उसमें फील्ड में तो निकल ही रही हैं बच्चियां अपने। और तो क्या है, क्या क्या संदेश दिया गया बच्चों को? बच्चों को आज हमने यही बताया कि आप अपने भविष्य के लिए आगे बढ़िए, कहीं से दबना नहीं है आपको, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए और आगे अपने समाज में अपना एक स्थान मुकम्मल कीजिए आप। आज 8 मार्च है और हर साल 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मैं सभी महिलाओं को इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। यह महिलाओं के लिए सम्मान, प्रशंसा और प्रेम को प्रकट करने के लिए और महिलाओं की उपलब्धियां जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक को साबित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में हुई थी, जहां पर कि 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाल कर वेतन को बढ़ाने, काम के घंटों को कम करने और वोटिंग के अधिकार की मांग की थी। इसके एक साल बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको आधिकारिक तौर पर लागू किया था। तब से हम हर साल महिलाओं के अधिकारों को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और महिलाओं को खुद को उनके अधिकारों को बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसी के साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ में ही हम 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, जो कि श्रीमती सरोजनी नायडू को समर्पित है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री भी रही हैं। इसीलिए इनकी 135वीं जयंती के अवसर पर यानी कि 13 फरवरी 2014 को भारत में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित करने वाले रंग हैं बैंगनी, हरा और सफ़ेद। बैंगनी रंग गरिमा का और न्याय का प्रतीक है, जबकि हरा रंग उम्मीद का प्रतीक है और सफ़ेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। हमारी राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए भी विशेष घोषणाएं की है, जिनमें कि चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में, और बच्चियों के लिए हॉस्टल की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की 1,000 डेयरी बूथ खोले जाएंगे और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारम्भ किया जाएगा। साथ ही आज के दिन यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर में कांग्रेस के द्वारा एक इंदिरा गांधी मोबाइल ऐप योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें कि अगर महिला 4 सेकंड तक बटन को दबा के रखती है तो उसके एड्रेस और लोकेशन फ़ोन में फीड 4 लोगों तक तुरंत पहुंचता है और उनको तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही युवतियों को अपने